दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। बजरंगी भाईजान की कहानी इतने जल्दी खत्म हो जाएगी? क्या होगा अगला ट्विस्ट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉली ग्रैंड स्टूडियो। मैं पूजा मोड़े आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ बजरंगी भाईजान 2 फिल्म से जुड़े कुछ गर्मा गर्म गॉसिप। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि आखिर फिल्मी दुनिया में पक क्या रहा है। देखी चल से आवाज चिकन कुकड़ुकु, यही कहता है आज चिकन कुकड़ुकु। ये गाना तो आपने सुना ही होगा बजरंगी भाईजान में, और मुझे पता है कि गाना इतना बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि इस गाने को सुनकर भूख लग जाती है। और यही कमाल कर दिखाया है ओम पुरी ने, जो कि इस सॉन्ग के राइटर हैं। और इस गाने को कंपोज किया है प्रीतम ने। वैसे देखा जाए तो प्रीतम ने कई सारे गाने कंपोज किए हैं बॉलीवुड के जो कि हिट साबित हुए हैं, और उनमें का ही एक हिट गाना है मेरे ढोलना, जो कि भूल भुलैया फिल्म में का गाना है। और मुझे पता है कि आप जब भी घर में अकेले होंगे तब आपको ये गाना जरूर सुनने आता होगा। मजाक कर रही हूँ, वरना फिर से बोलेंगे कि मैंने आपको डरा दिया। और एक और गाना है जो इन्होंने कंपोज किया है और जो हिट साबित हुआ था, नाच मेरी जान हो के मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु। जी हाँ, सलमान खान का ट्यूबलाइट फिल्म का गाना। वैसे इस गाने का ट्रेंड बनाने की कोशिश काफी की थी मेकर्स ने, लेकिन ट्रेंड कुछ बन नहीं पाया। भाई ट्रेंड तो सिलेक्टेड गानों के ही बनते हैं। तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, इस सॉन्ग में आपको जो मुन्नी और सलमान खान की केमिस्ट्री दिखाई जाती है, जो बॉन्ड दिखाया जाता है, वो सच में इतना ही स्ट्रॉन्ग था असल जिंदगी में भी। कबीर खान ने जब सलमान खान को कास्ट किया था इस फिल्म के लिए, तब सलमान खान ने कबीर खान ने दो क्वालिटीज देखी थी। पहले कि सलमान खान बच्चों से बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं, वो बच्चों के साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं, और इसीलिए कबीर खान को इतना पक्का यकीन था कि चाहे कोई भी बच्चा वो लोग कास्ट कर ले, सलमान खान उस बच्चे से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे। और दूसरी क्वालिटी कबीर खान ने सलमान खान में ये देखी कि सलमान खान को अभी तक इतने इनोसेंट कैरेक्टर में कभी भी कास्ट नहीं किया गया था, और इसीलिए कबीर खान ने सलमान खान को इस फिल्म में कास्ट किया और फिल्म हिट साबित रही। अब जैसा कि मैंने मेरी कल की फेयर में बताया कि सलमान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुन्नी के घर वालों को बता देते हैं कि जो मुन्नी का होने वाला पति है वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, और मुन्नी की शादी रुक जाती है। वैसे देखा जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुन्नी की शादी तो रोक देते हैं, लेकिन अब मुन्नी से शादी कौन करेगा, कैसे मदद करेंगे सलमान खान मुन्नी की? तो ऐसे में क्या मुन्नी के पेरेंट्स अलाउ करेंगे मुन्नी को, जिससे मुन्नी प्यार करते हैं, उससे शादी करने के लिए? आपको क्या लगता है? वैसे मैंने मेरे थ्योरी में आपको अब तक बताया ही नहीं कि मुन्नी किससे प्यार करती है। वैसे आपको एक हिंट दे देती हूँ, बजरंगी भाईजान में आपने मुन्नी जिससे प्यार करती है उसे देखा था। वैसे उसका किरदार ज्यादा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखाया गया था, और वो किरदार सबके याद में भी होगा, ऐसा ही है। आपको याद है जब बजरंगी भाईजान में मुन्नी भारत पाकिस्तान का मैच देख रही होती है तो उसके साथ एक छोटा लड़का होता है, समझ रहे हो? तो आपको क्या लगता है मेरे हिंट के हिसाब से कौन हो सकता है वो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं और मैं गॉसिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।